मैं पूनम मेहरा एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ में से हम किस पे काम करते हैं, किस पे नहीं काम करते हैं, और हमें 3 ट्रेजर्स जो हमारे पास हैं उस पे किस तरह से काम करना है। सो वीडियो के एंड तक आप देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। और ये चीज़ें आपको अपनी पेरेंटिंग जर्नी में और आपके बच्चे के फ्यूचर ग्रोथ में किस तरह से काम करती हैं और कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो, हम सब जो हैं वो जानते हैं वन टाइप ऑफ वेल्थ, मनी, पैसा, लक्ष्मी, सिक्के, रुपए, ठीक है, वही वेल्थ जानते हैं, या फिर सोना, जेवर या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उसको ही वेल्थ समझते हैं। बट 16 टाइप्स ऑफ वेल्थ होती है, इसको आप ढूंढ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। उसमें एक वेल्थ जो हमारी है वो है हमारे बच्चे। मैं पेरेंटिंग पे वीडियोस बनाती हूँ तो मैं ये वेल्थ को उठा चूज़ कर रही हूँ उसमें से, बच्चे। अब जिस तरह से हम अपनी वेल्थ को संभालते हैं ना, रुपए, पैसे, सोना, जेवर, जमीन, जायदाद, व्हीकल, गाड़ी, बहुत ध्यान से संभालते हैं, राइट? आपने कभी ऐसा किया है कि आपने पैसे को, नोट को, अपने घर को या अपने व्हीकल को, गाड़ी को, या अपने सोना चांदी जेवरात को जो बैंक के लॉकर में रखे रहते हैं, कभी कर्ज किया हो? दिन रात बोला हो, तू कैसा है, तू कैसा है, कैसे करता है, कैसे करता है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो कुछ नहीं हो पाएगा, तेरे होने से क्या होगा मेरी ज़िंदगी में, कोई कभी आपने ऐसा किया है? कभी नहीं किया होगा, राइट? और हमारा बच्चा जो हमारी वेल्थ है, वो उसके साथ हम क्या करते हैं, आप सोचिए कि हम उसको कितना बुरा भला कर्ज करते हैं, डांटते हैं, उसके कैपेबिलिटीज़ पे डाउट करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसका इमोशनल क्वेश्चन, उसका मोरल, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस हम तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। वो हम क्यों करते हैं आपको पता है? उसके रीजंस हैं। हम बच्चे के साथ इस तरह का बिहेवियर कब करते हैं पता है? जब हम बच्चे को एज एन इंडिविजुअल, उसको अलग एक लाइफ है, एक ज़िंदगी है, एक जीवन है ना देखकर हम उसको दुनिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दुनिया के पर्सपेक्टिव से, स्कूल में उसके बारे में क्या कहा गया, उसके दूसरे फ्रेंड्स की मदर्स, पेरेंट्स उसके बारे में क्या कह रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स आके क्या बोल रहे हैं कि अरे क्या करने वाला है तेरा बेटा, अरे कौन से स्टैंडर्ड में आ गया, आगे क्या प्लान है, क्या करना है। स्कूल में बच्चों की बातें होती हैं, पेरेंट्स की बातें होती हैं कि मेरा बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा, तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, या हम बोस्ट करते हैं अपने बच्चे के बारे में। वो हर चीज़ बियॉन्ड एक लिमिट, एक्सट्रीमिटीज आर बैड। तो हम बच्चे को क्या संभाल रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए खुद से। क्या उसको खाना खिलाना, रहने के लिए घर देना, उसकी फीस भरना, उसके लिए घर में चाहिए तो हाउस हेल्प रखना वगैरह, खर्चे करना, इन शॉर्ट बस क्या इतना ही हम समझते हैं कि हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए? उसका क्या जो हम उसको पल पल पर उसका इमोशन ब्रेक कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं, उसकी सेल्फ एस्टीम ब्रेक कर रहे हैं, राइट? तो कैसे बच्चा अच्छा डेवलप होगा, अच्छा ग्रो होगा, एक वैल्यू क्रिएटिंग, एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति बनकर निकलेगा बड़ा होके? क्योंकि बच्चे सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं, विजुअल। हम भी ऐसे ही हैं, हमें गाना सुना हुआ एक बार में हो सकता है पूरा याद नहीं रहे, लेकिन देखा हुआ गाने में सीन वो ज़्यादा याद रहता है। दैट्स हाउ द ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड। और ये 16 वेल्थ से ऊपर जो मैं बात करने वाली हूँ, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजर्स जो हमारे पास हैं, हम ट्रेजर्स कहाँ ढूंढते हैं? हम ट्रेजर्स समझते हैं हमारे बैंक के लॉकर में रखे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ हमारा ट्रेजर है, हमारे पैसे हमारा ट्रेजर है। अब ये भूल जाते हैं कि 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर तो हमारे सबके पास हैं, जो कोई नहीं छीन सकता है, द ट्रेजर्स ऑफ माइंड, बॉडी एंड हार्ट। अब ये 3 ट्रेजर्स कैसे इम्पॉर्टेंट हैं? सबसे पहले हार्ट की बात करेंगे। इट्स द हार्ट That is important. जब आपकी जिंदगी में बहुत खुशी आती है, इतनी खुशी आती है कि आपका दिल इतना खुश हो जाता है, उस खुशी के मारे आपकी आंख से आंसू छलक आते हैं, तो वो आंसू जो आपकी आंख से छलकते हैं
उसको कमांड कौन करता है, ब्रेन या दिल की आवाज़ से वो आंसू निकलते हैं? दिल की आवाज़ से निकलते हैं वो आंसू। दिल बोलता है, शरीर का अंग आँख पानी गिरा देता है। सिमिलरली जब हमारे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूटता है तो हमारी आंखें छलक आती हैं, रोने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं, धारा की तरह बहने लगते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारा दिल, सबसे पहला इफेक्ट दिल, दिल रोता है, दिल से इमोशंस निकलते हैं और वो इमोशंस आंखों से आंसू बन के बहते हैं। इसमें दिमाग हम कहीं नहीं लगा रहे। सो जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, दिल से काम लेते हैं, तो वो हमेशा दिल से लिया हुआ काम, जो डिसीजन है, वो हमेशा बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन जब हम अपने बच्चे को नर्चर करने की, हमारा जो प्रोसेस होता है, जो हमारी बारी होती है जिसको हम करते हैं, तो वहाँ हम दिल से काम नहीं लेते, वहाँ हम दिमागी चलाते रहते हैं। इट्स एग्जैक्टली लाइक जो दिमाग बेलगाम का घोड़ा, वो चलता रहता है हमारा, right? आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर सीट पे आप हैं, तो आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी स्टेयरिंग, गियर्स, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर, सबको आपको संभालना है, राइट? तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका दिमाग, दिमाग का घोड़ा जो दौड़ता रहता है, जो किसी की बातों में आ जाता है, सुन लेता है, एग्जैक्टली उसको संभालना है। या मैं अगर ऐसा कहूँ कि ये जो दिमाग है ना, इसको एक बात समझना, कचरे का डिब्बा नहीं है आपका, कि कोई भी कुछ भी डाल के चला जाए। इट्स लाइक आप किसी को अलाउ करो कि आप अगर एक अपने घर में एक गार्डन बनाओगे ब्यूटीफुल, तो किसी को भी एक टॉफ़ी का रैपर भी डालना अलाउ नहीं करोगे, राइट? तो अपने दिमाग के ब्यूटीफुल गार्डन में आप किसी को भी कोई भी कचरा डालना कैसे अलाउ कर देते हो? क्योंकि आप वो लेते हो, इसलिए वो डालता है। तो हमें करना क्या है, हमें ये अपने दिमाग को बार 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 दिन भर, आप 21 डेज तक इसको करिए, हमेशा इसको समझाइए कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। ये आपके दिल से आवाज़ आपकी यही निकलती है। आप कभी दिल से सोचते हैं ना, तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा कितना प्यारा है, कितना स्वीट है, थैंक्स निकलता है, ग्रैटिट्यूड निकलता है अपने बच्चे के लिए, राइट? लेकिन जब दिमाग चलने लगता है ना कि उसने क्या बोला, उसका बच्चा कैसा है, उसकी मम्मी क्या बोल रही थी, मेरे रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे के बारे में, मेरे घर वाले क्या बोल रहे हैं, मेरे सास ससुर क्या बोल रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं, जब लोगों की बातों पर आप जाने लगते हैं ना, तो वही आपके दिमाग की उपज से वो सब कचरा जो है निकल कर बच्चे तक जाने लगता है और वो बच्चे का फ्यूचर ख़राब करता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी जहर घोलता है। और सबसे पहला जहर आपके लिए घोलता है क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हो उससे, राइट? तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर्स हैं, माइंड, बॉडी एंड हार्ट, इसमें आप हार्ट को दिल से सुनो, दिमाग के घोड़े को लगाम पकड़ के रखो और बॉडी पार्ट्स का बराबर यूज़ करो, चाहे आपकी आँख हो, नाक हो, जबान हो, शब्द हो, और बहुत केयरफुली इनको यूज़ करो। जब आप हार्ट की सुनोगे ना और दिमाग के घोड़े को लगाम लगाएंगे, तो आपके बॉडी पार्ट्स का यूज़ प्रॉपर होने लगेगा। इसको किस तरह से करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल लेकर आऊँगी इस बारे में कि आपको किस तरह से इन 3 ट्रेजर्स को डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई जर्नी बाय वॉचिंग दिस वीडियो। Let's keep smiling.